हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। जैसा कि आप सब जानते हैं, नवरात्रि का त्यौहार आने वाला है। इस त्यौहार में बहुत सारे लोग व्रत रखते हैं, इसीलिए आज मैं नवरात्रि व्रत के दौरान खाने वाली रेसिपी शेयर करूंगी। तो चलिए देख लेते हैं इनको बनाने की इजी रेसिपी क्या है। राजगिरा लड्डू बनाने के लिए हमें चाहिए 3 कप रोस्ट की हुई राजगिरा। ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है, इसको पंजाबी में स्यूल भी बोलते हैं। 1/2 कप गुड़, 1 चम्मच देसी घी, 2 बड़े चम्मच किशमिश ली है। किशमिश की जगह पर आप कोई और ड्राई फ्रूट भी यूज कर सकते हो। तो चलिए राजगिरा लड्डू बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पैन गरम करें और उसमें देसी घी डाल दें। घी के थोड़ा गर्म होने पर मैं इसमें गुड़ डाल दूंगी और इसको थोड़ा मेल्ट होने दूंगी। ध्यान रखें कि गैस आपको लो पर ही रखनी है। अगर आपने गैस का फ्लेम ज़्यादा कर दिया तो आपका गुड़ जल सकता है। इसके साथ ही इसमें मैं लगभग 2 चम्मच पानी डाल दूंगी। पानी के डालने से जो हमारे राजगिरा के लड्डू हैं वो बहुत सॉफ्ट बनेंगे। गुड़ में बबल आने शुरू हो गए हैं, इसको हमें अच्छे से मेल्ट कर लेना है। गुड़ अब अच्छे से मेल्ट हो गया है, अब मैं इसको 2 मिनट के लिए और पका लूंगी। गुड़ की चाशनी बनके तैयार हो गई है, अब मैं गैस बंद कर दूंगी। गुड़ की चाशनी को अब मैं इस राजगिरा में मिक्स कर दूंगी। इसके साथ ही इसमें ये किशमिश भी डाल दूंगी, इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। गुड़ को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब मैं इसके लड्डू बनाऊंगी। लड्डू बनाने से पहले हाथों में थोड़ा पानी लगा लें, इससे ये हाथ में चिपकेंगे नहीं, और उसके बाद इसके लड्डू बनाएं। थोड़ा थोड़ा पोर्शन हाथ में लेते हुए इसके गोल लड्डू बनाएं, ऐसे और एक प्लेट में रखते जाएं। हर बार लड्डू बनाने से पहले हाथ में थोड़ा सा पानी लगाएं। यहाँ पर पैन में मैंने 1 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल गरम करने के लिए रखा हुआ है। तेल के गरम होने पर सबसे पहले इसमें क्यूमिन सीड्स डाल देते हैं, इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। इसके साथ ही इसमें धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे और इनको 10 से 20 सेकेंड के लिए रोस्ट कर लेते हैं। ध्यान रखें कि मसाले जले ना, इसीलिए गैस का फ्लेम लो पर रखें। अब मैं इसमें 1 हरी मिर्च डाल दूंगी, इसको मैंने बड़े बड़े पीसीज में काट लिया है और अब 1 कप के लगभग इसमें पानी ऐड कर देते हैं। पानी में 1 उबाल आने देंगे। जैसे ही पानी में 1 उबाल आ जाता है इसमें रफली चॉप्ड आलू डाल देंगे। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर देंगे और अब आलू की सब्जी में 1 उबाल आने देंगे। सब्जी में 1 उबाल आ गया है, अब मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर दूंगी। इसके साथ ही इसमें मैं थोड़ा सा आमचूर पाउडर भी ऐड कर दूंगी, मिक्स कर देंगे। अब मैं इस सब्जी को 1 लिड से कवर कर दूंगी और इसको 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने दूंगी, सो दैट कि जो आलू है उसमें सारे फ्लेवर्स अच्छे से मिक्स हो जाए। सब्जी हमारी बनके तैयार है, थोड़ा सा हरा धनिया डाल के इसको भी मिक्स कर देंगे। गैस बंद कर देते हैं और इसको 1 बाउल में सर्व कर लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसको बनाने के लिए मैंने क्या क्या लिया है। 1 कप सिंघाड़े का आटा, इसको कुट्टू का आटा भी बोलते हैं। 2 मीडियम साइज के आलू उबले और मैश किए हुए और नमक स्वाद के अनुसार। यहाँ पर मैं सेंधा नमक यूज कर रही हूँ क्योंकि व्रत के खाने में सेंधा नमक यूज किया जाता है। सबसे पहले हम इसके लिए आटा तैयार कर लेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर 1 बाउल लिया है, उसमें मैं आटा, नमक और मैश्ड आलू डाल के मिक्स कर दूंगी। सब
सब चीज़ों को मैंने आटे में अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसमें मैंने पानी अभी तक नहीं डाला है, जो आलू में मॉइस्चर था उसी से ये बाइंड हो रहा है। लेकिन अगर आपको आटा गूंथते समय ये ड्राई लगे तो आप उसमें एक दो चम्मच पानी ऐड कर सकते हैं। डो बनके तैयार हो गई है, अब मैं इसे पूरियां बेल लूंगी। इस आटे को गूंथकर हमें बहुत देर रखना नहीं है, नहीं तो पूरियां बेलने में बहुत मुश्किल होगी। पूरियां बेलने के लिए इसमें से हम पेड़े बनाते जाएंगे और पूरियां बेलते जाएंगे। प्लेटफॉर्म को थोड़ा आटे से डस्ट कर देंगे और इसकी पूरी बना लेंगे। जो एक्स्ट्रा आटा होगा उसको रिमूव कर देंगे। अब मैं इस पूरी को फ्राई कर लूँगी। उसके लिए मैंने पहले से ही तेल गरम होने के लिए रखा हुआ है। तेल गरम हो गया है, अब मैं इसमें पूरी डाल दूँगी और इसको प्रेस करते हुए इसको फूलने दूँगी। पूरी अच्छे से फूल गई है, अब पलट के इसको दूसरी साइड से भी पका लूँगी। पूरी फ्राई हो गई है, अब मैं इसको एक टिश्यू पर निकाल लेती हूँ। सारी पूरियाँ इसी प्रकार से बना लेंगे। व्रत वाली खीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा कप समा राइस लिए हैं, इसको मुरैयों की बोलते हैं। इनको मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। थोड़े से मैंने यहाँ पर ड्राई फ्रूट लिए हैं। ड्राई फ्रूट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैंने बादाम और काजू लिए हैं, जिनको मैं छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूँगी। चार मैंने हरी इलायची ली है, इनके दाने निकाल कर मैं इसका पाउडर बना लूँगी। आधा कप से थोड़ी कम चीनी, चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं। एक लीटर मैंने दूध लिया है, जिसको मैंने पहले से ही गर्म करने के लिए गैस पर रखा हुआ है। सबसे पहले दूध में एक उबाल आने देंगे। जब तक दूध में उबाल आता है तब तक मैं ड्राई फ्रूट्स काट लूँगी और हरी इलायची का पाउडर बना लूँगी। जैसे ही दूध में उबाल आए उसमें भीगे हुए राइस डाल दूँगी। चावल डालने के बाद तुरंत एक करछी की सहायता से इसे हिला दें ताकि जो चावल है उसके तले में ना लगे। चावल डालने के बाद गैस को लो से मीडियम पर रखते हुए हमें इस खीर को पकाना है और बीच बीच में इसको हिलाते रहना है ताकि जो चावल है वो तले के साथ चिपके ना। सबसे पहले इसमें एक उबाल आने देंगे। जैसे ही दूध में उबाल आएगा मैं गैस को लो फ्लेम पर कर दूंगी। दूध में उबाल आ गया है, अब मैं गैस को सिम पर कर दूंगी और तब तक पकाऊंगी जब तक कि राइस अच्छे से कुक नहीं हो जाता और दूध के साथ मिलके हमारी खीर गाढ़ी नहीं हो जाती। खीर को पकते हुए लगभग 10 मिनट हो गए हैं। ये खीर जो रेगुलर राइस होते हैं उनसे जल्दी बनके तैयार हो जाती है, क्योंकि इस चावल के दाने बहुत छोटे होते हैं और वो दूध के साथ जल्दी से मिक्स हो जाते हैं। ये ऑलमोस्ट बनने ही वाली है। अब मैं इसमें चीनी, ड्राई फ्रूट्स, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मैं बचा के रख लूँगी गार्निशिंग के लिए, और इलायची पाउडर, ये सब डाल के मिक्स कर दूँगी। और अब मैं इसको 5 मिनट के लिए और पकाऊँगी। खीर अब बहुत ही गाढ़ी हो गई है, ये ठंडा होने पर और भी गाढ़ी हो जाएगी। खीर हमारी बनके तैयार है, अब मैं गैस बंद कर दूँगी। नवरात्रि व्रत की थाली बनके तैयार है। आप इन रेसिपीज़ को अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।